हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सानी और 20th मई आज हो चुकी है और बहुत ही जल्दी आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला है। टाइम बड़ा ही कम है और जो लोग इस बार अपेयर हो रहे हैं और जो लोग वैसे भी सिंसियर हैं तो उसको फॉलो करेंगे बहुत सिंसियरली। तो ये टाइम बड़ा ही क्रूशियल है और एमसीक्यूज आपके लिए की होंगे सक्सेस के लिए, उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए। बहुत सारा जो कंपाइलेशन आपके पास हो चुका है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, पीआईबी और जो हिंदी पेपर का जो एनालिसिस का जो लेसन है, दोनों के अंदर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसको सारे को रिवाइज करना जो जनवरी के बाद में मैंने दिए हैं आपको, और भी क्वेश्चंस अभी आ रहे हैं, एग्जाम तक आएंगे और बहुत सारे आएंगे। एक मैं सोच रहा हूँ कि पहले जैसे मैंने बोला था वो तो नहीं हो पाया था, उसके बाद वो क्वेश्चंस मैंने इन्हीं लेसन्स में ऐड किए थे, लेकिन एक वैसे 100 क्वेश्चंस का एक मैं आपको एक दो दिन में ही दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इस साल के लिए। तो उसमें सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे तो उसको भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। उसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, वो मेरे फेसबुक ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और 20th मई आज हो चुकी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडे का लेसन है, ये नंबर पर कॉल करके मंगवा सकते हो पेन ड्राइव कोर्सेज, और ये है StudyIQ के वेबसाइट का एड्रेस जहां पर ये सारे कोर्सेज 60% ऑफ पर अवेलेबल हैं। क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे सैटरडे को, द मालाबार सिविट, देखिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है लेकिन रेप्टाइल नहीं है, ये एक मैमल है आप याद रखना, ठीक है, ये रेप्टाइल नहीं है और इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा शेड्यूल 1 के अंदर है जो प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सही है, इस एक्ट के अंदर ही प्रोटेक्टेड है, तो 2 ओनली इसका आंसर होगा। और ये देखिए, ये होता है मालाबार सिविट और ये मिलता है वेस्टर्न घाट के एरिया में, और केरला वाला जो रीजन है मेनली जो सारे जो हिल्स वगैरह हैं उधर, कार्डमम हिल्स और ऊपर वायनाड और फॉरेस्ट वगैरह, यहाँ पर ये मिलता है। तो मालाबार लार्ज स्पॉटेड सीवेट भी इसको बोलते हैं और विवरीड एंडेमिक है वेस्टर्न घाट के लिए, एंडेमिक है मतलब वहीं पर ही ये मिलता है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इसका हुआ है, इसके कारण इसका नंबर काफ़ी कम हो गया है और 250 के आसपास ही बस इसका नंबर बचा हुआ है। नेक्स्ट रेड पैंडा, देखिए आपने पैंडा का नाम सुना होगा, चाइना का नाम याद आता है उससे, चाइना और पैंडा काफ़ी एक सिंबॉलिक सी चीज़ है, लेकिन ये रेड पैंडा है, ये वो वाला पैंडा नहीं, वो जाइंट पैंडा होता है जो चाइना में होता है, ये वाला रेड पैंडा है, ये छोटा होता है। ये एक मैमल है नेटिव टू ईस्टर्न हिमालयस एंड साउथ वेस्ट चाइना, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये मिलता है इन एरियाज में, लेकिन इसको जायंट पांडा नहीं बोलते हैं, एंडेंजर्ड तो ये है लेकिन जायंट पांडा नहीं बोलते हैं, तो दूसरा गलत है, ओनली वन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए, ये तो ये होता है रेड पांडा जो छोटा है, और ये है जायंट पांडा, इसका ग्रुप ही अलग है, इसका ग्रुप बियर वाला है, भालू वाला, और ये अलग है, ये छोटा होता है, और ये सारा इसमें दिया हुआ है। इसका जो स्पेसिफिक गेट होता है, मतलब इसकी चाल एक स्पेसिफिक होती है, डोमेस्टिक कैट की तरह ये होता है ज़्यादा, और आर्बोरियल है मतलब कि पेड़ों पे रहता है और एग्स बर्ड्स इंसेक्ट्स इन सबको खाता है, तो ये अधिकतर कार्निवोरस ही होता है, और ये वाला जो होता है ये अधिकतर 99% ये हर्बीवोरस होता है, मतलब कि शाकाहारी होता है और पेड़ों पर रहता है। तो आपने देखा होगा बड़ा सुस्त जानवर होता है, ये चाइना में मिलता है, ये वाला जायंट पांडा है और ये है रेड पांडा, ये वाला वल्नरेबल है और ये वाला है एंडेंजर्ड IUCN की लिस्ट के अंदर, ठीक है, तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट इसकी अगर ये पूछ लेंगे फैमिली कौन सी है, जैसे रकून्स वगैरह होते हैं ये बड़े इस तरह के मिलते हैं, मतलब जो अपने इंडिया में तो नहीं मिलते रकून्स वगैरह, और अमेरिका में उधर मिलते हैं, तो वहाँ पर उस फैमिली से भी ये रिलेशन रखता है, लेकिन इस पांडा से ये रिलेशन नहीं रखता है, इसके ये क्लोज में भी नहीं है फैमिली के आसपास। अब है यूएन सासाका अवार्ड, देखिए सासाका अवार्ड जो है वो दिया जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के एफर्ट्स के लिए, और उसमें कोई इंपॉर्टेंट अगर अचीवमेंट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग दिया जाता है, ना तो इकोनॉमी है, ना क्लाइमेट चेंज है, ना पीस वर्क है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। और अभी जो ओडिशा के एक सिविल सर्वेंट IAS ऑफिसर थे प्रमोद कुमार मिश्रा, इनको ये मिला था अवार्ड, और अभी 13 से लेकर 17 तक और जिनेवा के अंदर ये हुआ था, तो वहां पर ये सासाकावा अवार्ड फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये दिया गया है, ठीक है, याद रखना 86 में एस्टैब्लिश हुआ था, और निपोन फाउंडेशन के जो रियोची सासाकावा जो थे जापान में, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। $50,000 का इसमें अवार्ड मिलता है, और इम्पोर्टेंट एफर्ट सारे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के अंदर जो होते हैं उसके लिए मिलता है, तो उड़ीसा के अंदर तो वैसे ही बहुत बर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं इसके लिए। नेक्स्ट GPDRR, देखिए ये वही चीज़ है जो अभी हमने देखा कि ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, और ये UN जनरल असेंबली ने इस्टेब्लिश किया था, जो अभी हमने देखा सासाकावा अवार्ड भी इससे रिलेटेड था, तो ये बिल्कुल सही, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और बायएनुअल है, मतलब कि 2 साल में एक बार होता है ये, लास्ट मेक्सिको में जो हुआ था वो 5th था, और अभी 6th हुआ है जिनेवा के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है, ये जापान में नहीं हुआ था, ये गलत है, तो जो गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैंड ने इसको होस्ट किया था और वहां पर ये मीटिंग हुई थी, ठीक है, ये पहला दूसरा सही है लेकिन तीसरा गलत है इसमें, तो 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्राइस्ट चर्च कॉल,
अभी जो श्रीलंका में अटैक हुआ उसके बाद में क्राइस्टचर्च कॉल के नाम से एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो किस चीज के रिगार्डिंग है? इसका आंसर हो जाएगा डीनन, क्योंकि ये है कि जो एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर होता है, उसके रिगार्डिंग उसको ट्रेस करना है, उसको कर्व करना, और वो एक इशू है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा रीजन बन गया है टेररिज्म के स्प्रेड होने का, और सबसे बड़ा मीडियम बन गया है इंटरनेट, तो उसके लिए क्राइस्टचर्च कॉल ली गई है और डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पहला एशियन कंट्री बन चुका है ताइवान, जिसने गे मैरिज को या फिर होमोसेक्सुअल मैरिज को और लीगल करार कर दिया है। ठीक है, तो ये उनके लिए बड़ी न्यूज है, और चाइना के अंदर ये चीज नहीं है, ताइवान में है। ताइवान को जो चाइना जो अपना ही पार्ट मानता है, आपको याद रहना चाहिए, और ताइवान अपने आप को अलग कंट्री मानता है, लेकिन ये एक बड़ा डिसीजन वहां पर आया है, उन्होंने लीगलाइज कर दिया ये मैरिज को, तो ये नंबर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट, टेकिंग स्टॉक ऑफ इस्लामिक स्टेट 2.0, इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले गए हैं, और जो लड़ाई है ग्लोबल उसके रिगार्डिंग है, जीएस पेपर 2 के लिए और 3 दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और महात्मा गांधी ने, देखिए ये पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बात वही रिपीटेड है कि गांधी ने एक बार ये बोल दिया था कि कोई मेरे को गन पॉइंट पर भी अगर गीता पढ़ने को बोलेगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा, तो अब उनके रिगार्डिंग कोई भी रिलीजियस सस्पिशन नहीं लगा सकता है, उन्होंने सबके लिए बात की थी, ह्यूमैनिटी के लिए बात की थी, और वो एक बहुत बड़े लीडर भी बन सकते थे, वो चाहे तो क्या नहीं बन सकते थे, गांधी चाहते तो प्रधानमंत्री भी बन जाते, राष्ट्रपति बन सकते थे, जैसे जिन्ना बन गया था राष्ट्रपिता वहां का पाकिस्तान का, तो गांधी बन सकते थे, कोई बड़ा इशू नहीं था, लेकिन उनका ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं था, उन्होंने मासेस को मोबिलाइज किया, देश को आजाद कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और लास्ट तक जब सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे तब ये यूनिटी के लिए खड़े हुए थे, और बहुत एरिया बहुत जगह पर उन्होंने बहुत इनोसेंट लाइफ्स को बचाया भी था उस टाइम पर, तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से और एक्सपीरियंस के बेसिस पे, और दुनिया का जो एक्सपीरियंस हजारों सालों का है, उसके बाद जो एक लर्निंग निकल के आती है उससे वो तरीका निकलता है कि पीस मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि ईगो की वॉर्स का और एक्सट्रीमिज्म का, रेडिकलाइजेशन का, और जिसको बोलते हैं धर्मांधता बोलते हैं, कि मतलब जो एक्सट्रीमिज्म जो उसके अंदर होता है, एक फैनेटिसिज्म जो होता है रिलीजन के नाम पर भी, उन चीज़ों का कभी कोई एंड नहीं होता है, वो कभी वो सिर्फ एक बार एक्शन होगा, फिर रिएक्शन होगा, फिर एक्शन होगा, फिर रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन की वॉर वो हो जाती है कि तुम जीता है मैं जीता, कौन मजबूत है, वो मजबूत वाली लड़ाई में सब घुस जाते हैं, उसका कभी कोई एंड नहीं होता है। टॉलरेंस ही दुनिया को आगे चला सकता है और ह्यूमैनिटी को बचा सकता है, तो ये इंसानों को समझना पड़ेगा। अब इंसान के अंदर जोश भी है, इंसान के अंदर समझ भी है, अब समझ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखना होगा, और आजकल लोग जोर पर ज़्यादा बिलीव करने लग गए हैं, समझ पर कम बिलीव करते हैं, और ये भूल गए हैं कि इंसान जो है हर तरह का टाइम जीता है, और टाइम लिमिटेड भी है लाइफ का, जितना आराम से लोग ज़िंदगी जिएंगे, एक दूसरे के खिलाफ अग्रेशन कम रख के, टॉलरेंस रख के जिएंगे, उतना ही लाइफ खुशहाल भी होती है। अब कोई एक्सट्रीम में कोई ऐसा हो गया है कि जैसे कोई बिल्कुल ही अनवांटेड है सोसाइटी के अंदर, और ऐसी आइडियोलॉजी जो है उसको तो पॉइंट आउट करना ज़रूरी है ही, उसको एंड करना भी ज़रूरी है, लेकिन बात यह है कि क्या एक्चुअल में वॉर है या नहीं है, और क्या सिर्फ पॉलिटिकल गेन्स के लिए कुछ कभी इन चीज़ों का फायदा उठाया जा सकता है, इमोशंस का फायदा उठाया जा सकता है, तो ये एक बड़ा इशू है। अब इस चीज़ के जो ये एक रिलेटेड आर्टिकल है, इसके अंदर भी इसकी बात की गई है, जहाँ पर गांधी की अफ्रीकी के ऊपर वो जो बंदूक तान के जो पिछले दिनों लेडी दिखाई गई थी, उसके बाद में अभी गोडसे वाला जो इशू आया है, जहाँ पर ठाकुर ने उसको पूरा वो घोषित कर दिया कि वही नेशनलिस्ट हैं, और उन्होंने जिसको मारा इसका मतलब वो तो एक आइडियोलॉजी के नहीं होंगे, इसका मतलब उनके हिसाब से गांधी नेशनलिस्ट नहीं थे और गोडसे नेशनलिस्ट थे, और जो गोडसे को नेशनलिस्ट नहीं मानते वो देशद्रोही हैं, तो ये जो शानदार आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं ये गजब की बात है, और ये भी गजब की बात नहीं है, ये तो खैर बहुत तेज लोग हैं और अपना काम निकाल जाते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन दिक्कत ये है कि जो फॉलोअर्स हैं, जो इस देश के अंदर जो सिटीजन्स हैं, वो ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ा खुश मतलब आराम से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और बड़े जोश से एक्सेप्ट कर रहे हैं, और क्यों, क्योंकि वो उसी चक्कर में फंसे हुए हैं कि मतलब हाँ इन्होंने किसी की वो इंसल्ट कर दी, इन्होंने किसी को थ्रैश कर दिया, इन्होंने किसी को हरा दिया, तो वही बस शानदार है, और इंडिया जैसे देश के अंदर तो बस वो जो भीड़ होती है ना, वो हो करने में बहुत विश्वास करती है, चाहे वो IPL का मैच हो, चाहे वो कोई लड़ाई हो रही हो रोड के ऊपर, हर जगह लोग हो करने वाले बहुत मिल जाते हैं हमेशा, तो वो चीज़ क्या है, क्या पॉलिटिकली होने लग गई है, और वो जो ड्रामा जो होता है जैसे वो रोड पे हो, चाहे वो मूवीज़ में हो, चाहे वो IPL के अंदर हो, वो सब अब पॉलिटिक्स में पूरी तरह से होने लग गया है, तो अब वहाँ पर इमोशंस का खेल चल रहा है, और इमोशंस में हमेशा हाइटेंड पोजिशन होती है माइंड की, और वहाँ पर इंसान की समझ कम होती है जब इमोशन ज़्यादा काम करते हैं, और वो जोर पे और थ्रैशिंग पे फोर्स पर ज़्यादा बिलीव करता है इमोशंस के अंदर इंसान, ठीक है, तो ये मिसमैनेजमेंट है इमोशंस का,
और एक एक्सप्लोइटेशन है इमोशंस का। अब लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कोई आपके इमोशंस का फायदा उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है। अब बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बात जरूरी हो जाता है बात करना, कि पहले तो क्या वॉर्स होती थी, वर्ल्ड वॉर 1 था 2 था, उसके बाद भी लड़ाइयाँ हुई थी, सब कुछ था, वहाँ पर इमोशंस का खेल था। अब फौजी जो होता है जब बॉर्डर पे होता है, उसके अंदर अगर इमोशंस नहीं होंगे तो वो कभी भी अगली दूसरे सेना को दूसरे फौजी के साथ लड़ नहीं पाएगा वो, क्योंकि उसका अगर दिमाग ये सोचेगा कि मैं मर गया तो क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, तो फिर वो लड़ नहीं सकता है। इसलिए उसको आइसोलेटेड माहौल में रखा जाता है फौजियों को, और उनको मिलिट्री साइकोलॉजी उसमें हेल्प करती है, और उनको इमोशंस काम आते हैं वहाँ पर, जो एक मदरलैंड के लिए इमोशंस होते हैं, तो लेकिन वो ट्रू इमोशंस हैं, वो सच्चे इमोशन हैं। और एक ये है कि जो ढोंगी घूम रहे हैं चारों तरफ और बड़े बड़े पोजीशंस पे बैठे हुए हैं और अपने आप को सोल्जर से ज़्यादा अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाते हैं और हर चीज़ में अपना खुद का नाम ले रहे हैं, उनका सारा क्रेडिट भी खुद ही ले रहे हैं, और वो आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इमोशंस जब आते हैं इंसान में तब इंसान का दिमाग चलता नहीं है, तो हर तरह का फेलियर छुपा रहे हैं उस चीज़ के पीछे। और दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई है कि देश के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे जो लोग भी हैं, वो भी उस चीज़ को सोच ही नहीं रहे हैं, ना लॉजिक उसमें ढूंढ रहे हैं कि ये क्या बात है या नहीं है, क्योंकि रियलिटी में लड़ाई नहीं है ना, ये रियलिटी में कोई आज बड़ा चैलेंज है नहीं। बड़ा चैलेंज आतंकवाद का है, लेकिन उसका तरीका अलग है, उससे डील करने का तरीका अलग है, वो साइलेंट है, उसमें कोई रेटोरिक्स नहीं काम आने वाले हैं, बड़े बड़े भाषणों से टेररिज्म नहीं रुकने वाला है। और वो जो रेटोरिक्स हैं, जहाँ पर भाषण होते हैं वहाँ पर एक्शन कम होता है, रेटोरिक्स ज़्यादा होते हैं वहाँ पर एक्शन कम होता है, तो वो रियलिटी है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं लोग। अब इशू ये है कि असलियत में वैसे वर्ल्ड वॉर जैसी लड़ाइयाँ तो हो नहीं रही हैं, जहाँ इमोशंस सही में काम आते हैं, जहाँ पर बॉर्डर के ऊपर फौजी तो है नहीं कि उनको इमोशंस काम आएंगे। अब बात ये कि वो अच्छे से जानते हैं कि इमोशंस ही इंसान को ब्लाइंड कर देते हैं, इमोशंस ही इंसान को जब दिमाग में आते हैं तो वो सोच नहीं पाता, इसलिए इमोशंस जगाओ, लड़ाई हो चाहे ना हो इमोशंस जगा दो, काम अपना बन जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर सब लोग जब इमोशनल होते हैं तो वो एक टोन में बात करते हैं, एक लय में बात करते हैं, एक तरह से सोचते हैं, चाहे वो थोड़े टाइम के लिए हो, और अगर ये चुनाव से पहले थोड़े टाइम के लिए ऐसा होगा तो फिर काम बन गया, ठीक है। तो इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों पॉलिटिकल कैंपेनिंग में इतने बड़े बड़े इशूज़ कहाँ गायब हो गए, उनके खुद के इशूज़ ही गायब हो गए जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग कर रहे थे। तो सारे क्रूशियल बातें जितने भी देश के अंदर हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, कोई जॉब्स हैं, इकॉनमी, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है, बस नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि वो सबसे बड़ा इमोशन है कोई देश के लिए, कोई भी देश के लिए सबसे बड़ा एक जो एक एनर्जी पैदा करने वाला और एक जो सच्चा इमोशन होता है वो मदरलैंड के लिए होता है, तो वो देशभक्ति का एक इमोशन है, उसको जगाने के बाद में उसका यूज़ बॉर्डर पर होता है, जो फौजियों के अंदर होता है, या फिर जब लड़ाई होती है तो फिर किसी को भी एम्प्लॉय करते हैं, किसी को भी ले जाते हैं, जैसे पहले 60s में 70s में लोगों को ले जाते थे, गांव से उठा के ले जाते थे और उनको फौज में सर्व करना पड़ता था क्योंकि नीड होती थी देश को, तो वो उस टाइम पर वो काम करते हैं इमोशंस। लेकिन जब लोग डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट में हैं, जहां पर इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर है, जहां पर गवर्नमेंट्स हैं, वहां पर ये इमोशंस लोगों के अंदर जगाने का क्या मतलब है, नेशनल सिक्योरिटी के इमोशंस जगाने का क्या मतलब है। साफ मोटिव ये है कि वो अपने ऊपर टैगिंग कर देते हैं कि हाँ हम ही ठेकेदार हैं नेशनल सिक्योरिटी के और हम ही सबसे बेस्ट काम कर सकते हैं और जो सारा क्रेडिट है वो हमको जाना चाहिए, अब तो नाम भी खुद का लेने लग गए हैं। तो इन दी एंड गेन जो है वो पॉलिटिकल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बस जो पॉलिटिकल जो वोटिंग वोट जो है वो हमें मिल जाए। तो ये सीधा सीधा ओपनली हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं, ये लोगों की मर्जी है, इसलिए ऐसे ही लीडर्स इस देश में रहने चाहिए क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना वो इसी चीज़ को डिजर्व करते हैं। तो अच्छी बात है, जो भी कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ का जब नहीं लोग समझ पाते हैं ना, जैसे चाणक्य ने बोला था कि जब एक बड़ा जो देश का हिस्सा जो होता है वो नहीं सोचता है और वो जिसको बोलते हैं कि जिसका इंटेलेक्ट अगर मर जाता है या फिर उसका समझ कमज़ोर हो जाती है, तो फिर असफल और जो ढोंगी जो लीडर होते हैं वो भी अपनी असफलताओं का भी जश्न मना लेते हैं और उनको भी सफलताओं का टैग दे देते हैं। तो ये इशू है, और पॉलिटिकल लगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं मेरी जिम्मेदारी समझता हूँ कि ये चीज़ जो है वो ट्रूथ जो है वो सामने आ जाता है। अब क्या ये चीज़ सही है, क्या गांधी को नेशनलिस्ट नहीं मानना और गोडसे को नेशनलिस्ट मानना सही है कि नहीं है, अब इस चीज़ को भी देश नहीं डिसाइड कर पाता है और उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जो गांधी को एंटी नेशनल बताते हैं और उसको नेशनलिस्ट बता रहे हैं, उसको भी अगर सपोर्ट करता है तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है, तब सही में भगवान मालिक होगा। अभी तक तो क्या है कि सब कुछ गवर्नमेंट्स के हाथ में है, सब कुछ है, सिस्टम है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है हमारे पास में, और उसके ऊपर नीड सबसे बड़ी यही है, सोल्यूशन की बात हमेशा जो कोई करते हैं कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन यही सबसे बड़ा है कि लोग जो है वो मजबूत रहें और वो अवेयर रहें। जैसा कि बोला गया है कि एक एनलाइटेंड एनार्की होनी चाहिए, कि मतलब लोग एनलाइटेंड हो, सुपर एजुकेटेड हो,
और उनके अंदर क्षमता होगी किसी को भी रिकॉग्नाइज करने की, वो इमोशन से काम ना ले, दिमाग से काम ले। डेमोक्रेसी के अंदर दिमाग से काम लेने की जरूरत है। इमोशंस लिमिटेड जगह पे होते हैं, इमोशंस बहुत प्योर चीज़ होती है, इमोशंस की रेस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। और इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस का एक टॉपिक जोड़ा गया है आपके सिलेबस में भी, क्योंकि इमोशंस इंसान को ब्लाइंड कर देते हैं। तो अगर आप फैमिली से ज़्यादा प्यार करते हैं तो कोई आपको फैमिली के नाम से डरा सकता है, तो फिर आप कहीं पर करप्ट हो सकते हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो आपको संभालना पड़ेगा। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, भगवान ने जो इंसान को दी है, और वो उसका रेस्पेक्ट करना चाहिए। वो एक प्रॉपर प्लेस पे ही उसका काम होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि बॉर्डर पे फौजी के लिए इमोशन का काम होता है, लेकिन जो आदमी वोट देने जा रहा है, जो आदमी देश को ऑब्जर्व कर रहा है, या फिर जो आदमी और अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, उसके लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं होने चाहिए। उसके लिए दिमाग ज़्यादा ज़रूरी है। और इमोशंस फैमिली के अंदर होने चाहिए, वहाँ पर इमोशन नहीं होते। आजकल लोग वहाँ पर दिमाग ज़्यादा लगाते हैं और जैसा सब कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है, तो ये डेवलपमेंट जो है वो अच्छे नहीं है। ऐसे ही इस आर्टिकल में जो एक बात बोली गई है सिविल सोसाइटी वाली, इस आर्टिकल के अंदर भी ये है कि कैसे एक्सट्रीमिज्म जो है वो कैसे रूल करने लग गया है थिंकिंग के ऊपर। इटली का एग्जांपल यहाँ पर दे रहे हैं कि कैसे मुसोलिनी को दोबारा से रेस्पेक्ट देने की बात हो रही है। ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं जर्मनी के अंदर जो नाजी ग्रुप को काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होने लगे हैं, मतलब इनकी आइडियोलॉजी के दोबारा से सपोर्टिव खड़े हो गए हैं। जहाँ पर दुनिया ने 70 साल तक ये सोचा था, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए लगाई, उन्होंने ये सोचा था कि कम से कम ये एक भूत जो है इस एक्सट्रीमिज्म का जो ख़त्म हुआ है, और भगवान की दया से ये चीज़ एंड हुई, और जो सही में डिस्ट्रॉय कर रहे थे ह्यूमैनिटी को उनका एंड भी हुआ, और वो सीख हमेशा इंसान के साथ चलेगी। लेकिन ये इससे अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन नहीं हो सकती है जब दुनिया दोबारा से उन लीडर्स को और इम्पोर्टेंट मानने लग जाए, और वैसे थिंकिंग रखने वाले लोगों को और इम्पोर्टेंट मानने लग जाए। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट चीज़ है, और ऐसे लीडर्स को फिर से हेल करना, ऐसे लीडर्स को फिर से इम्पोर्टेंस देना कि जो एक्सट्रीमिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, ह्यूमैनिटी के लिए वो सबसे खतरनाक चीज़ है। आतंकवाद की जो बात करें, देखिए कैसे चीज़ें एक जैसी है। आतंकवाद की बात करते हैं तो आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद ये होता है कि कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है जो आप सोचते हैं कि वही सबसे सही है, वही सबसे बेस्ट है, और जो उसको नहीं मानता है वो फिर इंसान काफिर है, या फिर वो इंसान गलत है, या वो इंसान एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। किसी भी लैंग्वेज में हम इसकी बात कर सकते हैं। तो फिर वो इंसान इन द एंड क्या करता है? वो इंसान इनोसेंट इंसानों को मारता है। तो वो आइडियोलॉजी किसी भी धर्म के अंदर हो सकती है। कोई मर्डर करता है किसी का तो वो भी एक चीज़ वही चीज़ है। तो किसी भी धर्म से कभी आतंकवाद का रिलेशन नहीं हो सकता है, लेकिन आतंकवाद का रिलेशन एक्सट्रीमिज्म से ज़रूर हो सकता है। एक्सट्रीमिज्म जहाँ पर भी है वहीं आतंकवाद है, एक्सट्रीमिज्म जहाँ नहीं है वहाँ आतंकवाद नहीं है। अब वो कहीं भी हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी जगह पर हो, किसी भी ग्रुप के अंदर हो, किसी भी आइडियोलॉजी के अंदर हो, अगर एक्सट्रीमिज्म है तो वहीं पर आतंकवाद होने वाला है। ये एक ट्रूथ है। लेकिन अब लोग एक्सट्रीमिज्म को भी अप्रिशिएट करने लग गए हैं। ये बड़ा डेंजरस एक ट्रेंड है जो इस आर्टिकल में बात इसकी की गई है। बहुत सारी बातें हैं आज की पॉलिटिकल माहौल के अंदर गलत लगती है लोगों को, और मुझे पता है कि अब जो इस आर्टिकल को सुन रहे होंगे उनको भी बहुत ज्यादा गलत ये चीज लग रही होंगी। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर इन सारे प्रोपेगेंडा से हटकर, टीवी न्यूज मीडिया इन सबसे हटकर, अगर आप ठंडे दिमाग से कुछ दिन अलग रहेंगे और सोचेंगे उसके बाद में, तो ये इमोशंस आपके अंदर भी इनका लेवल कम हो जाएगा। जैसे अब हो भी जाएगा चुनाव के बाद में, और उसके बाद ये चीज़ें समझ में भी आने लग जाएगी कि ये क्या चक्कर है। और अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखेंगे सबका, तो सबका ट्रू कैरेक्टर समझ में आने लग जाता है कि किसी का मोटिव क्या है, क्यों एक्सट्रीमिज्म को अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्यों गोडसे जैसे लीडर को बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्यों इटली के अंदर मुसोलिनी को अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्यों हिटलर की आइडियोलॉजी को सपोर्टिव माना जा रहा है, क्यों ट्रंप को वो माना जा रहा है, और क्यों ये पोस्ट ट्रूथ एज आई है। पोस्ट ट्रूथ एज मतलब कि कैसे ट्रूथ को डिस्टॉर्ट कर दिया जाता है, या फिर वो बिल्कुल अलग होकर निकलता है, जैसा एक्सपेक्टेड होता है उससे बिल्कुल अलग निकलता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। और एक्सट्रीमिज्म और जो अल्ट्रा राइट विंग की जो बात है, अल्ट्रा राइट विंग का जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो कैसे प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, क्योंकि वो सारा एक्सट्रीमिज्म से रिलेशन रखता है, और ये एक्सट्रीमिज्म इस दुनिया को खा सकता है। बिल्कुल उसका पोटेंशियल ऐसा ही है। आतंकवाद से हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट इशू है, और उसके अंदर किसी से रिलेशन नहीं है उसका। जिनको मारते हैं उनसे उनका रिलेशन नहीं है, लेकिन रिलेशन किस चीज़ से है? एक्सट्रीमिज्म से है। उनके थिंकिंग में एक्सट्रीमिज्म है, जो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, जो अपनी चीज़ को ही बेस्ट मानते हैं कि हम ही बिल्कुल सही हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स आते हैं, अब एंटी मुस्लिम जो एक इशू है सारा इन इस इस्लामोफोबिया के इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और जहां पर इसको कनेक्ट किया जाता है इस आइडियोलॉजी से, तो वहां पर और लोग भी जिम्मेदार हैं। जो भी लोग इस चीज़ को एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, वो सब उस चीज़ से रिलेशन रखते हैं। तो वो आतंकवाद और एक्सट्रीमिज्म का बहुत बड़ा एक नेक्सस है, और वो कभी भी इनसेपरेबल नहीं हो सकते हैं। वो सेपरेबल हो ही नहीं सकते एक दूसरे से। ये इनसेपरेबल इश्यूज हैं, एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद।
तो इसलिए ये रास्ता खतरनाक है और हमेशा ही डिवास्टेशन ही लेके ये दुनिया में आया है, लेकिन हिस्ट्री को हम भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के भुलाया जाता है नॉर्मल लोगों को जो हिस्ट्री खुद नहीं पढ़ते हैं। अब जनता खुद नहीं पढ़ती है इसलिए नेता जो है उसको कैसे भी डिस्टॉर्ट करके और आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आप लोग खुद नहीं पढ़ते हो। तो ये बहुत बड़ा इशू है। जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग इनकी ट्रू सेंस में समझते हैं और जो एक्सपीरियंस रखते हैं, वो सब लोग इसके रिगार्डिंग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन वो एक मिन्यूस्क्यूल हो गया है, वो एक माइनॉरिटी हो गई है। और फिर उसको टारगेट करना बहुत आसान है, उसको मॉक करना बहुत आसान है, क्योंकि वो लोग अब कोई उनके पास आर्मी तो है नहीं, ना ही उनके पास कोई ऐसा फोर्स है, सारी फोर्स गवर्नमेंट्स के पास है, इसलिए उनको टारगेट करना बड़ा आसान है, उनको इंटरनेशनल लेवल देना बड़ा आसान हो गया है और उनको किसी भी तरह से दूसरी पार्टी के साथ लेबल कर देना या फिर कुछ कर देना वो बड़ा आसान एक काम हो गया है। तो कोई भी आप किसी एक आइडियोलॉजी की बुराई करते हो तो आपको ये बोला जाता है कि आप उससे बिलोंग करते हो, आप उसके सपोर्टर हो, जबकि ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। जो प्रॉब्लम है उसको उससे डील किया जाता है। तो ये सारा इशू है। और ये देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये अननेसेसरी नहीं है आपके मेंस के लिए। ये जो सारे जो एडिशन है डेली का, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये बात है काउंटर डेमोक्रेसी, ये भी वही इशू है। इसमें भी सेम बातें हैं जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये इलेक्शन का जो फेज़ है ये फैक्ट लेस कैंपेन के ऊपर था, क्योंकि इसमें फैक्ट्स कम थे, रिटोरिक ज़्यादा था, इमोशंस ज़्यादा थे और बात फैक्ट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो ये सारा वही इशू था। नेक्स्ट 10 ईयर्स ऑन, इसमें श्रीलंका की बात की गई है कि 2009 में, और वहाँ पर एक्सट्रीमिज्म एक एंड हुआ था, जो एक सारा सिविल वॉर एंड हुई थी और जो लिट्टे वाला जो आतंकवाद था इतना बड़ा एक इशू था वो सब एंड हुआ था उस, लेकिन दोबारा से ये जो अटैक हुआ उसके बाद में और बहुत बड़े खतरे श्रीलंका की डेमोग्राफी में खड़े हो गए हैं, सोसाइटी में खड़े हो गए हैं, उसका रिलेशन इस आर्टिकल में है, सारा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया गया। तो इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इसको और इसको, और बाकी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बात है सोशल मीडिया की, इसमें ये बोला गया है कि प्लेटफॉर्म जो है वो सोशल मीडिया का वो इवॉल्व हो रहा है, लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी हमें देखनी पड़ेगी। और जो बड़े जायंट्स हैं फेसबुक जैसे है, ट्विटर जैसे, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके लिए एक्सेसिबल हैं। यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, ये जो इश्यूज हैं इनको टैकल इनको करना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ये सबसे बड़े टूल हैं जो कि इसको टैकल कर सकते हैं और ये जिम्मेदारी है बहुत बड़ी, अपने खुद के गेन और अपनी टीआरपी, अपने अर्निंग्स को ध्यान में रख के, और ये ह्यूमैनिटी के लिए सोचना पड़ेगा इन सब रिस्पॉन्सिबल जायंट्स को, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो चाहे वो सोशल मीडिया हो। तो ये एक इशू है और इसके अंदर टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी हेल्प कर सकती है। तो ये बात है। नेक्स्ट है ये वर्ड्स जो मुझे आज मिले हैं और इनके मीनिंग आप देखना, हर तरह के सेंटेंसेस में यूज़ करके देखना और मीनिंग देखिए। आप ये मत देखा कीजिए कि सिर्फ आपका हिंदी मीनिंग आप देख रहे हो उसका, ऐसा नहीं, इसका इंग्लिश मीनिंग भी आप देखिए जो सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रखा होता है। तो जैसे वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप तो कॉलिंस की डिक्शनरी है, ऐसे ही ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, ऐसे ही और भी डिक्शनरीज हैं कैम्ब्रिज वगैरह, तो इनके अंदर एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में ही दिए हुए होते हैं, तो वो भी आप जरूर से देखा कीजिए ताकि आपको राइट मीनिंग समझ में आए, क्योंकि कई बार हिंदी में उसका डिस्टॉर्टेड मीनिंग दिया हुआ होता है जो कि किसी और कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो कई तरह के वर्ड्स मिल सकते हैं एक वर्ड से, तो उसमें देखना जरूरी है। तो दोनों तरह से आपको कन्फर्म करना है क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ लॉन्ग साथ रहेगी, उसका मीनिंग साथ रहेगा, कहीं आपसे गलती नहीं होगी उसके बाद में। अब बात है इस आर्टिकल के, देखिए इसमें बात ये बोली गई कि श्रीलंका के अंदर जो इतना बड़ा इशू हुआ है और 10 साल के बाद में जो एक रिपीट हुआ है, जो एक अटैक्स का और एक इतना बड़ा मतलब शॉकिंग एक इंसिडेंट जो बात में आया है, ये बड़े रेड साइंस लेके आ रहा है, अलार्मिंग साइंस लेके आ रहा है। डायनामिक्स जो है वो बड़ी खतरे में आ गई है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन यूथ हुई है स्पेशली वहाँ पर है, उनका रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, ये बड़ी खतरनाक बात वहाँ पर हो गई है। और ये कह रहे हैं कि जो आईएस के जो रिक्रूट्स हैं और ये इस्लामिक स्टेट का जो कॉन्टेक्स्ट इस आर्टिकल में है, उसका ये मतलब है कि ये जो इस्लामिक स्टेट की टेरिटरी अब लॉस्ट हो चुकी है और जो वहाँ पर रेडिकलाइज हुए थे, तो हो सकता है जो लोग वहाँ से लौट के भी आए हैं जो रेडिकलाइज हैं और जिन्होंने वहाँ पर आईएस का डिस्ट्रक्शन देखा है, जो सारा अटैक्स वहाँ पर हुए थे और आईएस का वो एक एम लेके गए थे कि आईएस को एस्टैब्लिश करना है दुनिया के अंदर और वो सब करना है, जो रेडिकलाइज हो गए और मतलब उनका दिमाग खराब हो गया वहाँ पर वो पहुँचे थे एक एम के साथ में, वो पूरा नहीं हुआ और वो डिस्ट्रक्शन उनको ये लग रहा है कि मतलब ये तो एक वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो उसको ख़त्म करना चाहती हैं। तो इसलिए भी हो सकता है कि चर्च पर अटैक हुआ हो वहाँ पर, क्योंकि सिमिलर इंस्टेंसेस हैं जैसे कि इंडोनेशिया में हुआ था लास्ट ईयर मई में, फिलीपींस में जनवरी में हुआ था इस साल, तो ये सिमिलर से प्लॉट्स हैं और वहाँ पर आईएस की आइडियोलॉजी एप्लीकेबल थी। और ये अबू बकर अल बगदादी का जो वीडियो भी सामने आया और उसका जो शुरुआत उसने की थी एक कैलिफेट की, जो अब नहीं रहा है टेरिटोरियल लेकिन आइडियोलॉजिकल कैलिफेट है और वो स्प्रेड हो गया और इंटरनेट सबसे बड़ा मीडियम भी है कि वो रेडिकलाइज कर रहा है, तो ये रेडिकलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ा खतरा हो गया है। और अभी
देखिए इसको बहुत स्मार्टली डील करना पड़ेगा देशों को, उसके अंदर ना तो रेटोरिक्स काम आएंगे ना भाषण काम आएंगे, उसमें इंटेलिजेंस काम आएगा, उसके अंदर वॉच काम आएगी और उसके अंदर सिटीजन्स का बड़ा गजब का जो हेल्प है वो काम आने वाला है, क्योंकि कोई भी आपके आसपास भी रेडिकलाइज हो रहा है, कोई आप देख रहे हो ऐसा, कोई इस तरह की बातें कर रहा है, कोई इस तरह की आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है और कोई आपको आपको ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी हेल्प होने वाली है। इसमें हमारे फौजी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक डायरेक्ट अटैक नहीं है हमारे ऊपर, ये हिडन अटैक है, स्लीपर सेल्स की बात है, ये जो है आइडियोलॉजिकल एक इशू है जिसके अंदर किसी का पता नहीं लगता है कौन किस तरह से सोच रहा है, तो इसलिए सबका अवेयर होना बहुत जरूरी है इसके अंदर, इसलिए भी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वाइलेंस एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है इसके कारण, तो वो भी एक खतरनाक इशू होगा कि सिर्फ इस इशू के कारण, और अगर एक पूरा आपको सर्वाइलेंस स्टेट क्रिएट कर दिया जाता है तो भी एक बड़ा इशू है, तो वो चीज भी सही नहीं है। इसलिए इसमें सिटीजन्स का और एक बहुत बड़ा एक हेल्प नीडेड है, जो इसमें पॉइंट नहीं दिया गया लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये चीज देख रहे हैं हर जगह कि वो लोगों वाला जो सपोर्ट है वो ही मिसिंग है, लोग किसी के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं करते, कोई कैसा बात कर रहा है, कोई किस तरह सोच रहा है, कोई किसी को अप्रोच भी करता है। आजकल बहुत सारे मैसेज आते हैं इसके फेसबुक वगैरह के ऊपर कि कोई जैसे लड़के हैं उनको तो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियां मैसेज करती हैं फॉरन की, और वो ये धीरे धीरे बातें करने लग जाती हैं, ऐसे केसेस बहुत सारे आए हैं, और लड़कियों को लड़के करते हैं और वो फिर उनको रेडिकलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बहुत आसानी से ट्रैप हो सकते हैं, और जहाँ जैसे इंडिया जैसे देश है वहाँ पर जो बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं कि बस हाँ कोई हमसे बात ही कर ले, कोई फ्रेंडशिप कर ले, और कोई कैसा भी हो बस लड़की लड़का हो तो वही सोचता है कि लड़की होनी चाहिए, वो बस हमारे से फ्रेंडशिप कर ले, तो ऐसे वल्नरेबल जो बेचारे यूथ हैं उनको बहुत आसानी से फंसाया जा सकता है, और अगर वो अनएजुकेटेड हो, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ से, जॉबलेस हो, तो और ज़्यादा बड़ा खतरा बन जाता है। तो ऐसे में सिटीजन रिपोर्टिंग जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक हेल्प है, तो वो आज के दिन नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं थी, और सिर्फ जो इंटेलिजेंस के ऊपर बेस एक ये सपोर्ट था वो भी इतना अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इंडिया ने हेल्प किया लेकिन वो भी सब नहीं हो पाया, तो ये इसका रीजन था कि ये रेडिकलाइजेशन जो था उसका कॉन्सिक्वेंस ये आया और इतना बड़ा अटैक हुआ। अब इसमें जो बात है नेशनल तौहीद जमात की, जो कि किसने फाउंड किया था, जहरान मोहम्मद हशिम। अब ये इस पर्सन के ऊपर बहुत बड़ी बातें हो रही है, रिसर्च हो रही है कि ये जो इंसान था इसने 2014 में ये कुतानकुटी जो कि ईस्टर्न पार्ट में है श्रीलंका में, वहां पर एस्टेब्लिश किया, फिर उसने इंटरनेट के थ्रू और बहुत सारे यूथ को और उसके अंदर रेडिकलाइज किया, और बड़ा गजब का ये मतलब ऑरेटर था, इतना माइंड वॉश कर देता था लोगों का, और रिलीजन वही ब्लाइंडनेस रिलीजन के लिए, और उसके ऊपर इतना बड़ा ज्यादा फेथ, एक्सट्रीम फेथ होना रिलीजन के ऊपर, वो रीजन था कि वो लोग आराम से उसके अंदर ट्रैप में फंस गए। इसलिए ये रीजन है कि रिलीजन के ऊपर अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए जो इसमें आईएएस में जो रिक्रूट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनको इस्लाम के नाम पर रेडिकलाइज किया जाता है, तो वो उसमें ब्लाइंड बिलीफ रखते हैं, ब्लाइंड फॉलोइंग करते हैं, जो भी उसके नाम से कुछ भी बोल रहा है उसमें बिलीव कर लेते हैं, इसलिए दिक्कत है कि रिलीजन के रिगार्डिंग ये अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से, ये फैनेटिसिज्म को जन्म देता है ये चीज, क्योंकि उसके अंदर लॉजिक नहीं लग रहा, उसमें दिमाग नहीं लग रहा, उसमें सिर्फ इमोशंस लग रहा है, और अकेले इमोशन इंसान को नरक में पहुंचा सकते हैं, और उसी का ही रिजल्ट है। इसलिए दिक्कत है कि धर्म की जो भी बात कर रहे हैं राजनीति के अंदर वो सबसे बड़े कल्प्रिट हैं इस दुनिया के, तो ये एक इशू है बहुत बड़ा। अब इसमें देखिए ये जो ईस्टर डे अटैक हुआ, इसमें रिलीजन का इशू था, चर्च के ऊपर अटैक हुआ और जो इस्लाम के बेसिस के ऊपर रेडिकलाइज किया गया इसके अंदर, तो ये इशू था। अब ये सबसे बड़ा खतरा है कि यूथ को कैसे रेडिकलाइज किया गया और इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट के थ्रू रोका कैसे जाए, इंटरनेट तो बंद नहीं कर सकते हैं, ना किसी को फेसबुक और यूट्यूब इन सबको बंद कर सकते हैं, ना किसी को रेडिकलाइज कर रहा है तो उसको पूरी तरह से पहचाना भी जा सकता है, ये भी एक दिक्कत है। इसलिए ये सारी चीजें जो है जहां जहां पर इनके रूट जाते हैं वहां पर सबको सेंसिटिव होना पड़ेगा, जहां पर भी इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं, तो सिमिलर चीजें सामने आती हैं 21st सेंचुरी के अंदर, मतलब कि इसी 2010 के बाद का जो ये स्टार्ट हुआ था डेकेड, उसके अंदर ही आईएस जन्मा था, और एक न्यू ब्रीड ऑफ टेररिस्ट जो कि एडवांस्ड है, अधिकतर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, इस तरह के जो लोग इनमें नाम हम देखते हैं कि इस तरह से लोग रेडिकलाइज हो रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं किसी ना किसी तरह से, और धर्मांधता एक बहुत बड़ा रीजन है उसके अंदर, तो वो इंटरनेट के थ्रू इन्होंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर और हर देश के अंदर रेडिकलाइज किया यूथ को, और अफगान वॉरलॉर्ड जो था जलालुद्दीन हक्कानी उसने इसमें काफी फोर्स दिया, ऐसे ही थियोलॉजिकल जो कुछ डॉक्ट्रिन्स प्रोपगेट किए जैसे इजिप्टियन जो सैयद कुतुब था, पैलेस्टीनियन अब्दुल अजाम था, इन लोगों ने इसको बहुत मजबूत बनाया, और उसके बाद ये बगदादी जो था जिसने एक अलग से एक सपना दिखाया कि एक कैलिफेट होगा इस दुनिया के अंदर और वो सबसे प्योर होगा, उसके बाद में सबको जन्नत मिलेगी, ये सब कुछ होगा, उसके लिए लड़ना है, उसको एस्टैब्लिश करना है, तो ये एक इमेजिनेशन धर्म के ऊपर बेस्ड दिखाई,
उनको, तो इससे अट्रैक्ट हुए बहुत सारे यूथ और फिर उनका रेडिकलाइजेशन किया गया साथ साथ में, तो कई सारी डोज एक साथ गई, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट हुआ रेडिकलाइजेशन का पूरा पूरा उन वल्नरेबल यूथ के ऊपर, और वो फिर पूरी दुनिया से लड़ने वहां पर पहुंच गए। अब वहां पर जो है अब जो एंड हुआ उसकी टेरिटरी का बेनगाजी के बाद में, तो अब ये उनका ड्रीम शैटर भी एक तरह से हो गया है। जो लोग रेडिकलाइज हुए थे, जिन्होंने ये सोचा था कि कैलिफेट को एस्टैब्लिश करना है, उनका भी एक तरह से ड्रीम शैटर हुआ है। तो वो लोग अब दोबारा जब अपने देश में लौट रहे हैं या फिर कहीं पर भी हैं, तो वो भी बहुत डेस्परेट घूम रहे हैं ये इन अटैक्स के लिए। इसलिए उन सबके जो एक्ट है वो उसी डेस्परेशन वाले एक्ट हैं, और वो साफ साफ दिख रहे हैं जितने भी अटैक्स हो रहे हैं उसके अंदर। तो सब जगह बेसिस में एक्सट्रीमिज्म ही है और रेडिकलाइजेशन ही है और धर्मांधता ही है। अब नेट का प्यूटर रोल है जो मैंने आपको बताया कि कितना ये एक डायरेक्ट टू होम जिहाद एक तरह से हो गया है, कि जैसे डीटीएस सर्विस होती है वैसे ही ये घर बैठे बैठे कोई मोबाइल पे देख रहा है, कोई लैपटॉप पे देख रहा है, और वो रेडिकलाइज आराम से हो पा रहे हैं। और ये जो चाहे कन्वर्जन का इशू हो, चाहे वो किसी आइडियोलॉजिकल इस तरह का इशू हो, ये बड़ा एक मतलब डेंजर खड़ा हो गया है। और अब जो बात इसमें IS इस्लामिक स्टेट 2.0 की बात की गई है, अब ये है कि ये टेरिटोरियल फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर, क्योंकि टेरिटोरियल खत्म हो गया, अभी किधर पड़ गया, स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, और अब इंटरनेट के थ्रू और रेडिकलाइज कर करके जहां पर भी हो वो वहीं पर अटैक करने का एक तरीका स्टार्ट हो गया है। और ये है इसका सेकेंड वर्जन जो बड़ा डेंजरस है। पहले वाले को अटैक करके उसको पावर के थ्रू और एंड किया गया, लेकिन इसको कैसे किया जाएगा, ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरा पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो गया है। इसलिए इसमें रेटोरिक्स नहीं काम आने वाले हैं। अब जो जो फंड कर रहे हैं इनको, इन ग्रुप्स को, वो बड़े चिंताजनक बात है। सऊदी फंडिंग जा रही है, इसकी न्यूज़ बहुत सारे जो है लोग देते हैं। तो ये जो फाइनेंसर है, अब देखिए सऊदी अरबिया का तो फंडिंग जो मतलब वेपन्स और वैसे सपोर्ट जो है अमेरिका भी कर रहा है, तो ये तो बड़ी एक हिपोक्रेसी होगी। अमेरिका वैसे बात करता है रेडिकलाइजेशन को एंड करने की, और सऊदी के अंदर फंडर्स बैठे हैं इतने सारे, उनके पास पैसा है, वो इसको फंड कर रहे हैं इस रेडिकलाइजेशन को, लेकिन उनके ऊपर कोई बात नहीं है। ऐसे ही तालिबान का जो इश्यू, उससे वो निगोशिएट करने में लगा हुआ है, लेकिन तालिबान का जो कनेक्शन तो है ही ISIS से भी, और वो भी ये चाहते हैं कि मतलब उनका पावर बढ़े और उनका डोमिनेंस बढ़े दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी उससे निगोशिएट किया जा रहा है और अफगान गवर्नमेंट को साइडलाइन किया गया है। तो ये बड़ी क्वेश्चनेबल बातें हैं। हाशिम जो था वो जो तमिलनाडु और केरला के अंदर भी ऐसे रेडिकलाइज यूथ थे, उनसे कनेक्टेड था, तो ये इंडिया के लिए भी एक बड़ा थ्रेट है, ये लेसन कह रहे हैं। और वो सारी बातें वो की वही हैं जो हमने अभी पिछले 5-10 मिनट में बातें की हैं। तो वो सारा इसका बैकग्राउंड बनाती है कि हमें किन के इश्यूज पे ध्यान देना है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये सारे रियलिटी हैं। और इंडिया को और इस साउथ एशियन रीजन को, जहां पर ये मानते थे कि ये आइसोलेटेड है ISIS इन सब के मतलब आइडियोलॉजी से, इन सब के इन्फ्लुएंस से, लेकिन ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं है, हिडन तरीके से अभी भी चल रहा है। और अभी तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में भी एक सेपरेट प्रोविंस होगा IS का। तो ये इशू बड़ा सेंसिटिव है, और इसका मतलब ये एविडेंस देता है कि हमें सुपर सेंसिटिव इसके लिए होना है और सुपर एक्टिव इसके लिए होना है। और इस तरह के जो यूथ है, जैसे ये हाशिम है, जहां पर भी वो इस तरह से प्रीचिंग कर रहे हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए फेसबुक वगैरह के ऊपर जहां पर ये डेली इस तरह से प्रीचिंग करते हैं, और ये बड़े स्मार्ट होते हैं, माइंड वॉश कर सकते हैं, तो ये किसी भी धर्म से बिलोंग कर सकते हैं, किसी भी तरह की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को बिलोंग कर सकते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करना अब नीड हो गई है, ठीक है। तो ये सारा इशू था इस आर्टिकल का, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी इशू का, और ये मेंस के क्वेश्चंस के अंदर और ऐसे का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये सारा इशू था। नेक्स्ट है टास्क ऑफ रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी। अब इसके अंदर बात ये की गई सिविल सोसाइटी का रोल जो है कितना बड़ा होता है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद में सिविल सोसाइटीज का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है कि उन्होंने प्रेशर हमेशा लगाया है जिससे डेमोक्रेसीज मेंटेन रही हैं। अदरवाइज डेमोक्रेसीज जो हैं उनके अंदर कोई गारंटी नहीं होती कि जो भी गवर्नमेंट है, जो भी कोई पॉपुलर लीडर्स हैं, वो टायरेंट होंगे या नहीं होंगे, लेकिन सिविल सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इटली का एक जो शॉकिंग एग्जाम्पल आया, जहां पर बहुत सारी बड़ी जनसंख्या जो है वो मुसोलिनी को एक ऑनर देने के लिए और वहीं पर खड़ी हुई जहां पर उसकी उल्टी लाश को टांगा गया था, वहां पर उसको ऑनर देने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये अल्ट्रा राइट विंग्स ग्रुप्स का जो एक रिक्रिएशन है, उनको जो फिर से जो मजबूती मिल रही है, ये एक जो इंटेलेक्चुअल क्लास है उसके लिए बड़ा चिंता का विषय हो गया है, और ये बड़ा शॉकिंग उनके लिए है। जहां पर गांधी के किलर को पेट्रियटिज्म इंडिया में बोला जा रहा है, ये ऐसा सा ही काम जो है पूरी दुनिया में हो रहा है, और ये एक पूरा प्लॉट है। किस चीज का ये प्लॉट है? ये प्लॉट है उसी एक्सट्रीमिज्म का, जहां पर वो अल्ट्रा राइट विंग जो ग्रुप्स हैं, अब हो सकता है वो किसी अलग धर्म से हो, वो हो सकता है किसी अलग धर्म से हो, लेकिन अल्ट्रा राइट विंग मतलब कि एक्सट्रीमिज्म है इसके अंदर।
वो रीजन है और उसको लोग अप्रिशिएट करें, उसको एम्ब्रेस कर रहे हैं, ये दिक्कत सबसे बड़ी है इसके अंदर। दिक्कत उन लीडर्स की नहीं है, उन माइंड वॉश करने वालों की नहीं, दिक्कत उनकी है जो लोग हैं जो इसको एम्ब्रेस कर रहे हैं और ये प्राइड मान रहे हैं मतलब इस चीज के अंदर। ये बहुत चिंताजनक एक बात है कि हम दुनिया इतना कुछ देख चुकी है लेकिन अभी कई दशक बीत चुके हैं इस तरह की लड़ाइयों को, इस तरह के वर्ल्ड वॉर्स को, इसलिए हम उनके कॉन्सिक्वेंसेस भूल गए हैं, इसलिए हम जो है उस तरह के इमोशंस को एंजॉय कर रहे हैं जो बड़े मतलब एक्सट्रीमिस्ट जो इमोशंस होते हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं और पॉपुलर स्केल पर एंजॉय कर रहे हैं। ये दिक्कत है क्योंकि असलियत में जो लोग बैठकर जो गोडसे को भी अगर सपोर्ट कर रहे हैं, गोडसे को भी अगर नेशनलिस्ट बता रहे हैं और प्रज्ञा ठाकुर जैसे लीडर्स को जो टेरर एक्यूज हैं उनको भी अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको वो सपोर्ट दे रहे हैं और उसमें प्राइड फील कर रहे हैं तो उनसे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। चाहे कोई फेसबुक पर बैठ कर अगर उनको सपोर्ट कर रहा है तो उसका कोई कनेक्शन उसका नहीं है, ना उसके लाइफ में कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वो एक उस एज को जन्म दे रहे हैं जहां पर एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो डोमिनेंस क्रिएट कर देगी, तो ये एक बड़ा खतरनाक टाइम आ सकता है। ये एक दिक्कत है बहुत बड़ी। तो हर इंसान की जो सोच है, उसका जो सपोर्ट है, उसका जो इंक्लिनेशन है, वो मैटर करता है। और ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वायलेंस के अगेंस्ट में सारी जिंदगी लगा दी, जैसे मान लीजिए कोई भी लीडर है, जैसे गांधीयन जो लीडर्स हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनको जैसे बोल रहे हैं कि शिवर्स डाउन द स्पाइन, कि मतलब उनको बड़ा डर लग रहा है इस सिचुएशन से कि क्या होगा क्या, क्योंकि इंडिया एक यंग नेशन है, बात मेनली इंडिया सेंट्रिक होगी हमेशा हमारे लिए, तो इंडिया एक यंग नेशन है और यंग लोगों के अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, यंग लोगों के अंदर इमोशंस का जो एक उबार होता है वो बड़ा मजबूत होता है, तो अगर उसको नेगेटिव डायरेक्शन दिखा दी जाती है किसी भी रीजन से, चाहे पॉलिटिकल रीजन से हो, तो वो डिवास्टेटिंग हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस आर्टिकल में यही बात की गई है और पूरी दुनिया में इसके एग्जाम्पल्स हैं। स्पेन में जो चुनाव हुए वहां पर देखा गया सोशलिस्ट लीडर जो है वो चुनाव जीते, लेकिन फिर भी जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले जो लोग हैं जो कि अल्ट्रा राइट माने जाते हैं उनको भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सीट्स उनको भी मिली है, तो वो भी बराबर के टक्कर में है। इसका मतलब जो लॉजिक है वो भी लगातार टकरा रहा है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है और जो लोग ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, और ब्लाइंड सपोर्टर्स इसलिए कि ब्लाइंड सपोर्टर होना ही गलत है, चाहे वो सही चीज़ का हो चाहे गलत चीज़ का हो, अगर वो ब्लाइंड सपोर्टिंग है तो ही वो गलत है, क्योंकि वो फिर रिस्की होती है कि आपको कोई आप डिपेंडेंट हो दूसरे की आइडियोलॉजी या फिर दूसरे की समझ के ऊपर, दूसरे की थिंकिंग के ऊपर, आप उसको सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, ये एक दिक्कत गलत है और ये पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा गलत होती है, तो इसलिए ये रिस्की चीज़ होती है, इसलिए ये एक डेंजरस जिसको बोलते हैं प्रीकर्सर है किसी आगे चीज़ का। जो ब्रिक्स ग्रुप है उसका एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ब्राज़ील, रशिया और चाइना, तीनों देशों में ऐसे कह रहे हैं कि जो एंटी पीपल रेजिम्स हैं, क्योंकि अगर बात करें रशिया की तो रशिया में आप कभी यूट्यूब पे जाना, कभी ढूंढना रशियन माफिया के नाम से आपको कोई वीडियोस मिलेंगे और जिस तरह के खतरनाक आपको उन लोगों का मतलब वो मिलेगा, लाइफस्टाइल मिलेगा और वो कैसे ओपनली मतलब गन्स घुमाते हैं हवा में, कैसे जो नॉर्मल सिटीजन जो है वो डर के थोड़ा सा रहते हैं क्योंकि वो इतना कहीं पर भी प्रोवोक सिचुएशन में वहाँ पर गोलियां चलते देर नहीं लगती है, नॉर्मली जब तक शांत है तब तक ठीक है, क्योंकि अगर जब तक लोग डरे हुए हैं तब तक लोग चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, किसी से कोई प्रोवोक नहीं हो रहे हैं तब तक ठीक है, वो लोग भी राजी हैं और वो अपनी गाड़ियां घुमा रहे हैं और बंदूकें दिखा रहे हैं और आराम से जी रहे हैं, लेकिन जहां पर भी कोई थोड़ा सा क्लैश हो गया वहां पर ही इस तरह के खतरनाक इंसिडेंट होते हैं और ये ऑब्वियसली कहीं ना कहीं और स्टेट का सपोर्ट है, इसीलिए वो इतना बड़े लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है। ऐसे ही ब्राज़ील के अंदर स्थिति है, ऐसे ही चाइना के अंदर भी ये एलिगेशंस है कि जो फ्री नहीं है, प्रेस भी नहीं है, ना मीडिया इतना फ्री है, नहीं सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे कोई मतलब फ्रीडम इतनी ज़्यादा है, बहुत सारे कर्ब्स हैं, यूट्यूब, विकिपीडिया सब कुछ बैन है वहाँ पर, यह सब जानते हैं, तो ये एंटी पीपल रजीम जो है वो राइस के ऊपर है, लेकिन इंडिया कंपेरेटिवली बहुत अच्छा रहा है अभी तक, लेकिन आगे फ्यूचर में कैसा होगा इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं, क्योंकि लोगों की थिंकिंग जो है वो बड़ी चेंज हो रही है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो चेंज हो रही है और जो ऑब्सक्यूरेंटिस्ट थियोलॉजिकल आउटफिट्स जो है वो स्पेस क्लेम कर रहे हैं, मतलब कि ऑब्सक्यूरेंटिस्ट क्या होते हैं कि रियल मुद्दों से तो ध्यान भटका, जो एक इसका मतलब होता है कि रियलिटी से जो दूर लेके जाए और वो किसी ना किसी कन्फ्यूजन में, किसी ना किसी ट्रैप में फंसा दे और रियलिटी ना देखने दे, तो ये ऑब्सक्यूरेंटिस्ट थियोलॉजिकल है, जैसे हमारे देश में धर्मांतरण की जो बात हो रही है और ये ऑब्वियसली हो रहा है, इसमें कोई भी मतलब छुपाने वाली बात ही नहीं है, ओपनली हो रहा है, अब मेजोरिटी का जो धर्म है उसके नाम से भी चाहे हो, लेकिन उसका रीजन क्या है, उसकी नीड क्या है, कि किस बात का खतरा वो दिखा रहे हैं और खतरा की इसका रियलिटी का एविडेंस तो ये है कि हमारे जिस चीज़ के लिए खतरा वो बता रहे हैं, हम हजारों साल से जीते आ रहे हैं, बड़ी ओप्रेसिव रेजिम्स यहाँ पर आई हैं, बड़े ओप्रेसिव किंग्स यहाँ पर रहे हैं, रेजिम फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं और वहाँ पर एक बड़ी अच्छी सोसाइटी रही है,
लेकिन इसके बावजूद आज के एज में जहाँ डेमोक्रेसी से सिस्टम्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर कोई रिलीजन को हम एम्ब्रेस नहीं करते हैं और हर चीज़ के लिए हमारे पास पॉजिटिव सपोर्ट है, लेकिन कोई मतलब इंक्लाइनेशन किसी की तरफ नहीं है और सेकुलरिज्म की बात है प्रिवेल करती है, उस टाइम पर धर्म की इस एक्सट्रीम में बातें करना इसका क्या मतलब है? लेकिन ये चीज़ हो रही है, इसलिए इंडिया में फ्यूचर में खतरा लग रहा है। ठीक है, तो ये सारी बात है। अब कह रहे हैं कि आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी, नहीं आए चाहे रिपीट हो, तो उसके उनके सामने बहुत सीरियस इश्यूज हैं। उसके अंदर यूजीसी है, ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, नेशनल एकेडमिक्स हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं, डेटा गैदरिंग मैकेनिज्म है, इनके लिए फर्स्ट एड की नहीं सीरियस क्योर्स की जरूरत है। ये बहुत पैरेलल में चल रहे हैं, अगर इसको नहीं सुधारा जाता है तो रियली हमें तैयार रहना चाहिए एक बहुत डेंजरस फ्यूचर के लिए। और जैसा देश अभी तक हमने बना के रखा है वैसा ये रियलिटी में नहीं बचेगा, ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि हर जगह डिवीजन क्रिएट हो गया है। अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर भी डिवीजन की बात आई है, अशोक लवासा ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया है कि मेरी जो ओपिनियन है उसको बिल्कुल भी नहीं माना गया है। तो जो नेगेटिव ओपिनियन दिया जा रहा है, जो अगेंस्ट है, उसको भी हाईलाइट करना चाहिए कि क्या दिया गया है, क्योंकि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कंसेंसस है। तो इलेक्शन कमीशन में, सीबीआई में, हर जगह डिवीजन है। तो ये डिवीजन जो क्रिएट हो रहे हैं, यही सारे एविडेंसेस हैं कि कुछ ना कुछ सही नहीं चल रहा है और ये जो तरीका है वो सही नहीं है। तो ये कोई बड़ा रिफॉर्म, अगर ऐसा माना जाए कि ये बहुत बड़ा रिफॉर्म हो रहा है, कि इंडिया में पहले बहुत प्रॉब्लम्स थी और उनके रिफॉर्म के चलते ये सब कुछ हो रहा है, तो ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि रिफॉर्म का तरीका बिल्कुल अलग होता, वहां पर तो एजुकेशन को, लॉजिक को, साइंटिफिक कम्युनिटीज को, इन सबको और बूस्ट किया जाता और धर्म वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं उनको सप्रेस किया जाता, उनको उनके जगह पर ही छोड़ा जाता। अब कोई मंदिर में जा रहा है तो अपनी इच्छा से जा रहा है, उसको जाने दिया जाए, उसको गवर्नमेंट अप्रिशिएट करे, इसका क्या मतलब है? तो वो उसका इंपॉर्टेंस ये नहीं होता अगर रिफॉर्म प्रोसेस चल रहा होता तो। लेकिन रिफॉर्म प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ एक चेंज का प्रोसेस है। रिफॉर्म और चेंज में एक फर्क होता है। चेंज होता है कि कोई एक सिचुएशन लगातार चलती आ रही है, उससे लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसलिए वो चेंज को अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। ठीक है, एक मकान में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे टाइम से रह रहे हैं और वो किराए का मकान है, इसलिए लोग चेंज चाहते हैं, कोई एक अलग मकान में चले जाए। अब वो जरूरी नहीं है कि नया मकान जो अच्छा होगा नहीं होगा, लेकिन वो चेंज चाहते हैं क्योंकि वो पहले वाले से फ्रस्ट्रेटेड हैं, लंबे टाइम से ऐसा चल रहा है। और उस टाइम पर लाइफ में हमेशा फ्रस्ट्रेटेड जो होते हैं वो किसी और रीजन से होते हैं, चाहे वो जॉब नहीं है, चाहे वो कोई इकोनॉमी खराब है, चाहे वो कोई भी रीजन है, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, और फ्रस्ट्रेशन के बहुत सारे रीजन हमारे देश में, एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा रीजन है, तो फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड आदमी हमेशा चेंज चाहता है, वो चेंज हो रहा है, तो ये चेंज का फेज है, ये रिफॉर्म का फेज नहीं है। इसलिए और इमोशंस पीक पे ले जाए जाते हैं और फिर उनकी बात की जाती है, सारी बातें इमोशनल हो रही हैं, तो ये बहुत बड़ा एक सीरियस इशू है। अब एक एक वर्ड जो मैंने बोला है उसको ध्यान से आप समझना, बार बार रिपीट करके सुनना। इसमें कहीं पर भी आप जो बार बार एक चीज, कई लोग ये बोलते हैं कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कहीं पर भी नहीं है, इस चीज को समझिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इशू है। और जो मतलब लोग हुए हैं, इंटेलेक्चुअल जो लोग हुए हैं पास्ट के अंदर, जिन लोगों ने धर्म के रिगार्डिंग क्या बोला, जिन उन लोगों ने आइडियोलॉजीज के रिगार्डिंग क्या बोला, उनको समझिए। आज हम गांधी जैसे लीडर्स को भी और क्वेश्चनेबल मार्क उसके ऊपर लगा रहे हैं, इसका मतलब हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? हम ऐसे लीडर्स को भी निगेट करने लग गए हैं, और किस चीज के चलते? क्योंकि ये प्लॉट के तहत उनको किया जा रहा है ऐसा, कि लोग उनको ओपनली मतलब ब्रेवली ये बोलते हैं कि वो तो उनको जो किलर्स हैं वो नेशनलिस्ट हैं, ब्रेवली बोल रहे हैं और उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं होता। इसका मतलब ये सपोर्ट है पूरा पूरा, ये एक प्लॉट है कि जो गांधी की आइडियोलॉजी उसको एंड किया जाए, क्योंकि वो उनके लिए सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि उससे लोग पीस सीखते हैं, उनको पीस नहीं चाहिए, उनको तो इमोशन चाहिए लोगों के, और वो हमेशा बात करते हैं कि काम डाउन होइए, पीस रखिए, तो गांधी आइडियोलॉजी ये बोलती है, इसलिए गांधी आइडियोलॉजी को एक प्लॉट के तहत एंड किया जा रहा है, ये कोशिश है सारी की सारी। और वैसे हिपोक्रेसी है, वैसे हमारे पास कोई दूसरा सिंबल नहीं है गांधी के अलावा इंटरनेशनल, जैसे मैं हमेशा आपको बोलता हूं। तो ये सारा इशू है, बहुत ही सेंसिटिव इशू। और डेमोक्रेसी के ऊपर भी जो क्वेश्चन उठ गए हैं कि डेमोक्रेसी जो है, ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ने गलतियां की है, डेमोक्रेसी ने हमेशा प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन ये परफेक्ट सिस्टम बिल्कुल नहीं है, ये सब मानते हैं, लेकिन इट हैज नॉट फेल्ड अस, क्योंकि बड़ी बड़ी ओप्रेसिव रिजिम्स के अगेंस्ट में ये खड़े हुए हैं, डेमोक्रेसी खड़ी हुई है, और यहां पर सिविल सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल है, जहां पर लोगों का एक्टिवनेस इसका सबसे बड़ा बेसिक सपोर्ट है, तो वो रहना चाहिए, ये तभी जाके पॉसिबल हो पाएगा। और डेमोक्रेसी अल्टीमेट नीड है, यहाँ पर सबकी राय होनी चाहिए, यहाँ पर मेजोरिटी की राय नहीं चल सकती, यहाँ सबकी राय होनी चाहिए, इसलिए डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर कोई सेक्शन फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस आते ही आते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन हमेशा नेगेटिविटी को जन्म देती है, और कोई भी फ्रस्ट्रेट हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जन्म ले रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंस सबको भुगतने पड़ते हैं फिर, इसलिए। और सबका रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, और सबकी जो बातें हैं वो ओपनली डिस्कस होनी चाहिए,
चाहे वो कैसे भी बातें हो, चाहे कोई गलत भी जा रहा है तो उसको सुनना चाहिए ताकि उसका सोल्यूशन निकल सके। अदरवाइज कोई चीज़ दबी रह जाएगी और आगे ऐसे ही प्रोग्रेट हो जाएगी, तो कोई सेक्शन को सप्रेस करके निकल जाएगा कोई, या फिर इस तरह के आइडियोलॉजी को सपोर्ट अगर कोई सोसाइटी में करेगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होते हैं और ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये प्रूव होने वाली बातें हैं, ये कोई रेटोरिक्स नहीं है पॉलिटिकल रेटोरिक्स की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट इशू है नेक्स्ट जो टीन्स के रिगार्डिंग है कि टीन प्रेगनेंसी जो है वो राइज पे है और खासकर ईस्टर्न पार्ट में राइज पे है। ये अधिकतर केस में एनिमिक होते हैं, 50% से ऊपर एनिमिक है और एंटीनेटल केयर इनको नहीं मिल पाती है और हमेशा बैकवर्ड एरियाज में ही टीन प्रेगनेंसीज होती हैं जो 10 से 19 साल की मानी जाती हैं कि ये जो टीनेज मदर्स जो होती हैं उनका केस है। अधिकतर मैंने बोला कि मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, अधिकतर डेथ जो होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो टीन्स की ही होती है, उनको नॉलेज भी नहीं होता है ना उनमें इतनी मेच्योरिटी होती है, कई तरह के इश्यूज होते हैं। आप सोचिए एक एज होता है कन्फ्यूजन का टीनेज, उस टाइम पर अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या संभाल पाएगी बेचारी, छोटी सी वो बच्ची ही एक तरह से होती है क्योंकि वो मेच्योरिटी नहीं है उसके पास में। लेकिन ये है, ये चीज चल रही है और यंग एडल्ट्स के अंदर परसेंटेज देखिए वो है, लेकिन उससे ऊपर कई जगह टीनेज मदरशिप का निकल रहा है। तो ये बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और वेस्टर्न पार्ट में जहाँ पर जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन के लेवल्स बढ़े हैं इसलिए यहाँ पर ये नंबर्स कम है, दिल्ली के अंदर और भी कम है, लेकिन इन एरियाज में और खासकर नॉर्थ ईस्ट में जिसको काफ़ी अच्छा माना जाता है लेकिन वहाँ पर भी और टीन प्रेगनेंसीज के बहुत सारे केसेस हैं। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 15-16 में हुआ था NFHS, ये 1990s में स्टार्ट हुआ था और ये चौथा सर्वे था जिसके रिपोर्ट्स अभी पब्लिश हुए हैं तो उसमें ये डेटा सामने आए हैं। तो ये मेंस के लिए बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है ऑल सीजन सैटेलाइट, जो रडार इमेजिंग सैटेलाइट है रीसेट 2B, ये हम लॉन्च करने वाले हैं। PSLVC-46 का होगा और ये 22 मई को श्रीहरिकोटा आइलैंड से ये जाएगा, पुलिकट लेक के पास में ये है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर के पास में है आइलैंड है और श्रीहरिकोटा आइलैंड, वहाँ पर वहाँ से भेजा जाएगा, रॉकेट सारे वहीं से लॉन्च होते हैं। फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इन सब के लिए ये सारे रिसोर्सेज हैं तो ये रिसोर्स सेट भी एक तरह से माना जाता है। तो ये इमेजिंग करता है, रिमोट सेंसिंग, पहले वाले जो अर्लियर होते थे वो सिर्फ रिमोट सेंसिंग के ऊपर बेस्ड थे लेकिन रिमोट सेंसिंग जो होती है एक तो लाइट बेस्ड होती है और बारिश में, बादलों में या फिर अंधेरे में कुछ बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब ये रडार बेस्ड जो है इमेजिंग वाला सेटेलाइट होगा, इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है, सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR सिस्टम लगा होता है जो कि बारिश में या चाहे क्लाउडी सिस्टम हो, अब चाहे मोदी जी ये बोलते हो कि जो रडार है कैप्चर नहीं कर पाता प्लेन्स को क्लाउड में, लेकिन वो तो एक जोक ही मानना चाहिए क्योंकि वो तो एक ब्लेटेंट लाई था और एक बकवास बात थी। तो वही रडार के ऊपर, इसलिए भी इसको हाईलाइट किया था हिंदू ने शायद, तो रडार बेस्ड जो सेटेलाइट है वो होने वाला है और ये किसी भी कंडीशन के अंदर और इमेज कैप्चर कर सकता है और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। तो ये रडार बेस्ड एक सेटेलाइट होगा 2B, ठीक है, रीसेट 2B इसका नाम होगा और ये 4 stage का होने वाला है, 4 stage का, और इसका वेट भी आप देखिए 615 किलो है, इसका मतलब ये PSLV इसमें यूज होगा, अगर वेट ज़्यादा होता तो इसमें GSLV यूज़ होगा, जैसे कि हम मून पे जो भेजने वाले हैं चंद्रयान 2, वो उसका वेट ज़्यादा है 2000 से ऊपर किलो का, इसलिए उसको GSLV Mk3 लेके जाएगा, Mk3 उसका वेरियंट है और वैसे FS-10 उसको वेरियंट का नाम दिया जा रहा है जो वो फ्लाइट होगी उसका नाम है। इसका मिशन लाइफ 5 साल का होगा और ये सारा इसका डेटा है, पूछ सकते हैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं। इशू ये है कि ये जो रडार बेस्ड सैटेलाइट्स होते हैं इनको बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये हैवी पेलोड वाले डेटा भेजते हैं और नॉर्मल से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस ही होते हैं, तो इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, इसलिए इनको बनाना बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। लेकिन हमने ये हम लगातार बना रहे हैं और आगे भी हमारे पास लिस्ट बड़ी लंबी पड़ी है जो हम भेजने वाले हैं, रीसेट 2BR1, 2BR2, रीसेट 1A, 1B, 2A और ये सारे, ये आगे 2019 में और आगे 20 में भेजने वाले हैं। तो ये हमारे अचीवमेंट्स हैं और बड़े शानदार अचीवमेंट्स हैं और ये साइंटिफिक लॉजिक बेस्ड ये सारा एडवांसमेंट है, इसलिए ये हेल्पफुल है। इसरो ने बहुत अच्छी इमेज दुनिया में बनाई है और ये हमारे लिए बहुत प्राउड का विषय है। हाईकोर्ट ने बोला यूनाइटेड नेशंस जो है वो कोई स्टेट नहीं है अंडर आर्टिकल 12 जो हमारा जो है, जो कि स्टार्ट किसको करता है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे वो 12 से लेकर 35 तक आते हैं, उस 12 में डेफिनेशन स्टेट की दी गई है। तो उसके अंदर कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो यूनाइटेड नेशंस हमारे लिए कोई स्टेट नहीं है, इसलिए उसके ऊपर कोई अगर कोई सूट वगैरह आता है, कोई अगर केस वगैरह करता है तो वो स्टेट की तरह नहीं काउंट होगा। इसलिए आर्टिकल 226 में और 12 के अंदर, दो आर्टिकल के अंदर ये मतलब चीज़ डिस्कस होती है दोनों जगह, और हाईकोर्ट दिल्ली ने ये बोला है कि UN को कोई स्टेट नहीं माना जाएगा, ये स्टेट नहीं हमारे लिए और ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बस ये है, ठीक है। तो एक कोई पर्सन थे, इन्होंने कोई केस किया था UN बॉडी के ऊपर
और उसमें ये था कि कंसेंट लेना जरूरी है। ये आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर कोई दूसरे स्टेट के रिगार्डिंग, कोई दूसरे देश के रिगार्डिंग कोई अगर केस करता है, कोई सू करता है, तो फिर गवर्नमेंट का और उसमें परमिशन लेना जरूरी होता है। लेकिन ये कहा है गवर्नमेंट ने कि यूएन जो है वो कोई स्टेट नहीं है, इसलिए उसमें परमिशन लेना जरूरी नहीं होगा। आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ये एग्जिट पोल्स के बारे में है। एग्जिट पोल्स देखिए, अनाउंस करता है इलेक्शन कमीशन, और सेक्शन 126A इसमें डाला गया था, ऐड किया गया था आरपी एक्ट 1951 के अंदर, उसके अंदर डेट दी जाती है। और जब चुनाव चल रहे होते हैं तब एग्जिट पोल्स नहीं दिखाए जा सकते टीवी के ऊपर। इसीलिए देखिए कल शाम को एग्जिट पोल स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि 6:30 बजे तक का टाइम था 19 मई का जो इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया था, और 11 अप्रैल 7 बजे सुबह तब से ही ये बैन लग गया था, और ये 6:30 बजे तक ये बैन था शाम को 19 मई तक, उसके बाद ही एग्जिट पोल्स लाए जा सकते हैं। तो लोगों का ये ट्रू ओपिनियन होता है, इसलिए ज़्यादा रिलायबल हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग वोट डाल के आते हैं उनका ये डेटा लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है पोलिंग का इशू, और इसमें क्लियर मेजोरिटी एनडीए को बताई जा रही है। और क्वेश्चंस के लिए शाम को आप ये भी का लेसन देखना, उसमें सारे क्वेश्चंस मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, डिस्कस भी करेंगे और वैसे भी दे दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।